Hello everyone, how are you all doing? I hope you're doing absolutely fine. Welcome back to my new vlog. Welcome back to my YouTube channel. By the way guys, thank you itna support dikhane ke liye for my last Marathi vlog. मेरा planning था ऐसा ऐसे करने का, पर वो random plan बन गया और वो vlog अच्छा चल भी रहा है YouTube पे. इसके लिए thanks. और अभी का vlog में आज संडे है और हम लोग अलीबाग जा रहे हैं विद फैमिली, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छा कंटेंट भी मिल जाएगा, व्लॉग बनाता हूँ. हम लोग अभी मुंबई में हैं, मुंबई से मांडवा जा रहे हैं बाई कार. सो एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी. अभी ब्रेकफास्ट करके हो गया और मिसल पाव खाया मैं और फिर चिकन सैंडविच भी लिया था हम लोग ने. वो कॉलेज की याद आ गई मुझे मिसल पाव खा खा के, क्योंकि सेम ऐसा ही मैं कॉलेज में कैंटीन में खाता था. स्वाइक के टाइम ऐसा लग रहा था मुझे कि वो ही मैं पल जी रहा हूँ ऐसी इसलिए. और अभी हम लोग यहाँ से अलीबाग जा रहे हैं. कुछ 50 किलोमीटर रास्ता है. वन आवर लगेगा यहाँ से और अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक. और आई नो मैं आपको पहले भी ऐसा अलीबाग का ब्लॉग दिखाया हूँ, पर ये कुछ अलग एक्सपीरियंस रहेगा आपको देखने के लिए, क्योंकि मैं फैमिली के साथ हूँ ना. तो इट विल बी बेटर दिस टाइम ब्लॉग इसलिए. और अभी हम लोग निकल रहे थे तो आपको मतलब बोलता हूँ, सोचा कि आपको अपडेट देता हूँ. जस्ट वी रीच मांडवा. यहाँ पर श्री सदगुरु रिसोर्ट हम लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं एक दिन. और अच्छा था एक्सपीरियंस, ड्राइविंग भी स्मूथ था और रोड्स वॉज ऑल्सो नाइस. और बाय द वे गाइस, वहाँ से हम लोग वहाँ से 50 किलोमीटर बोला था ना आपको मैं लास्ट फुटेज में, वहाँ से कुछ 10-20 किलोमीटर के बाद एक ये आता है, एक ब्रिज आता है और एक नीचे वाला रास्ता आता है. तो पूरा अलीबाग वो नीचे वाला रास्ता जल्दी लेने का आपको बस इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. ऊपर का रोड ब्रिज कोकन जाता है इसलिए. तो अभी हम लोग आए हैं, मैं आपको विला का व्यू और टूर देता हूँ कैसा है. और हमारा रूम है, ऐसे छोटा सा रूम और ऐसा स्पेस है कि दिस इज ओनली फॉर वन डे. मतलब अच्छा, दिस इज ओनली फॉर वन डे, अच्छा विला है. और एक रूम है वहाँ पर दिखाता हूँ मैं. और हम लोग और एक रूम लिया है ऐसा ही है. हम लोग का सेकेंड रूम है सेम टू सेम. और अच्छा रिसोर्ट तो अच्छा ही है. फर्स्ट बार आ रहा हूँ रिसोर्ट तो अच्छा ही है. और इट्स सो स्पेसियस. मतलब अभी स्विमिंग पूल भी दिखा रहा हूँ आपको. स्विमिंग पूल ये हम लोग का स्विमिंग पूल है. अभी हमें जरूरत है, हमें जाएंगे और अच्छा है. ये हम लोग का लॉन है, मतलब वी कैन प्ले हियर. ये हम लोग का लॉन है
ये वी कैन प्ले यार, अभी बारिश है इसलिए वी कैन प्ले, सो वैसे इतना इतना स्पेसियस लॉन है ये। अभी पूल में जाते हैं हम लोग और आपको जरा पूल का फन और जरा पूल का फुटेज दिखाते हैं, हाउ वी फैमिली एंजॉय आवर वीकेंड। जस्ट स्विमिंग पूल में गया था, अच्छा मजा आ रहा है, बहुत दिन के बाद जा रहे हैं ना स्विमिंग पूल में, हाँ नियरली 6 to 7 months हुआ रहेगा और अच्छा मजा आ रहा है और अलग ही वाइब्स मिल रहा है। आई मीन चिकन पकौड़ा भी खा के हुआ मेरा और अच्छा अलग ही वाइब्स मिल रहे हैं। वापस जा रहे हैं हम लोग और आज का जरा वीकेंड जरा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अलीबाग में, जरा कुछ चेंज जरूरी है ना बॉडी के लिए भी इसलिए। और अभी तक का जर्नी इज गुड, मतलब अच्छा जर्नी हुआ है और आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच एन लवली एक्सपीरियंस। अभी जस्ट हम लोग का हुआ स्विमिंग पूल में एंजॉय करके और अब आई फेल्ट वेरी गुड, मतलब बहुत दिन के बाद गया था स्विमिंग पूल में, मतलब जरा बॉडी टैन भी हो गया अभी और बाल का हालत ख़राब हो गया है, पर अभी घर जाके शैम्पू से धोगा तो बाल अच्छा ठीक अच्छे हो जाएंगे, उसका तो कुछ सीन नहीं। तो अभी हम लोग लंच करने जा रहे हैं, हम इतना मतलब ये मतलब अभी अलीबाग आए हैं हम लोग और ये टाइम ही हम लोग इतना देर स्विमिंग पूल में थे, नियरली 2.5 आवर्स हुआ रहेगा इसलिए, और बहुत दिन के बाद गया ना इसलिए मज़ा आया। तो अभी हम लोग लंच करने के लिए जा रहे हैं और ज़रा मैं आपको ज़रा सीनिक व्यू दिखाऊंगा अलीबाग का, उसके लिए स्टे ट्यून। और अलीबाग आया और सुरमे का या खाने का इच्छा मेरा पूर्ण हो गया, मतलब ऐसा हो सकता है गाइस कि अलीबाग आके कोई सुरमा और चिकन नहीं खाएगा इसलिए। और अभी मैं स्टार्ट भी नहीं किया, मैं बोला ब्लॉग के लिए कंटेंट दिखाता हूँ मैं आपको फिर स्टार्ट करता हूँ, मैं रुका था सुरमे आने के लिए इसलिए। और अलग ही वाइब्स आ रहा है मुझे अभी अलीबाग के, नेचर भी साथ दे रहे हैं और बहुत सुकून मिल रहा है, और ये भी गर्मी भी इतना नहीं है, वेदर भी अच्छा है इस और इसलिए। तो अभी मैं खाता हूँ और आप अभी ज़रा सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। अच्छा सो गया था, अभी 5 बज गए और मैं इधर मांडवा जेट्टी के इधर आया हूँ, मतलब मांडवा बीच समझ लो, और ज़रा एक्सप्लोर करने अकेला आया हूँ, मतलब सब लोग अभी सो रहे थे तो खाना ज़्यादा ही हो गया, तो इधर हम मैं आया हूँ, अलग ही सुकून है इधर आके, मतलब अलग ही फीलिंग आ रही है मुझे। हमें मालूम है आपको वो रेप डंडा बीच जिट्टी गया था लास्ट मेरा ब्लॉग में, और ये मांडवा बीच है, वेदर भी अच्छा है इधर का, आई मीन सनी है और बारिश इतना नहीं है, बस उसको जरा अंदर जाके आपको व्यू दिखाऊं।
लैप्स लेने गया मैं और नॉर्मल वीडियो आ गया क्या, मैं देखा ही नहीं मैं कौन सा बटन ऑन किया। मैं वो टाइम लैप्स में चूज़ किया था, मैं टाइम लैप्स में मैं ये किया था, पर अभी नॉर्मल वीडियो आ गया। देखता हूँ अभी वो वीडियो में डिलीट नहीं कर रहे, अब अच्छा फुटेज रहेगा तो डाल देगा ब्लॉग में, नहीं तो देखता हूँ अभी टाइम लैप्स नहीं ले होगा। अभी बहुत अभी शाम हो गई, इस मतलब अंधेरा हो रहा है, लगता नहीं इतना अच्छा टाइम लैप्स आएगा, पर देखता हूँ कुछ हुआ तो। अभी वहाँ पर है ना, वहाँ से रोलो करके ये शिप है मांडवा, मुंबई से मांडवा आने के लिए ना, मुंबई से मांडवा आने के लिए वो जेटी अभी अवेलेबल है। तो इफ़ अभी कमिंग डेज में किसको अलीबाग आने का रहेगा तो दे कैन कम फ्रॉम दिस रोलो। बाकी सब तो बंद हो गया, अभी M2M आई थिंक चालू है, पर मैं कल परसों देख रहा था M2M में कि ये है क्या, नहीं सीट से है क्या, नहीं बना इट्स वॉज सोल्ड आउट इसलिए। और ये अभी 7:30 का मामला है रोलो, वी आर नॉट गोइंग बाय शिप जेट की, वी आर गोइंग बाय कार इसलिए। तो आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसको आने करेगा तो दे कैन कम फ्रॉम रोलो। आप नेट गूगल कर सकते हो, मुंबई टू मांडवा, मुंबई टू अलीबाग मांडवा, मतलब तो आपको सब मिल जाएगा। सो दैट्स इट्स फॉर दिस ब्लॉग गाइस। और आपको इसके आने का नहीं मेरा ये ब्लॉग देख के, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा विला का, इट्स अ गुड प्लेस, और आपको रेफरेंस दे के आप यू कैन गेट सम डिस्काउंट। तो किसी को आने करने का तो आप आ सकते हो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, आपको पसंद आया रहेगा तो डू लाइक इट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो तो गाइस डू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अभी मैं जस्ट 7:15 सब्स पहुँच गया, इट्स अ बिग डील फॉर मी, इसलिए गाइस थैंक यू। और एक ज़रा स्पेशल वीडियो आ रहा है उसके रिगार्डिंग, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और फटाफट अभी 30,000 क्रॉस करने का सब्सक्राइबर। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई ब्लॉग्स, सब आखिर बाय बाय।